सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लखनऊ वाला ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ब्लॉग, बहुत ही अच्छा और प्यारा ब्लॉग। सबसे अच्छी खास बात, मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसे वाटर पार्क टूर पर जो कि लखनऊ में अभी जल्द ही बना हुआ है। बहुत ही अच्छा और प्यारा और सुंदर, मैंने काफ़ी तारीफ इसकी सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ब्लॉग बनाया जाए, चल के देखा जाए कि कैसा ये ब्लॉग सॉरी कैसा ये वाटर पार्क है। सो गाइस, हमारे कई दोस्तों ने बताया कि बहुत ही अच्छा ये वाटर पार्क है, बहुत ही प्यारा ये वाटर पार्क है, चलिए एक बार इसको देखने चलते हैं। तो मैंने भी सोचा चल भाई, अब देखना ही तो इस पे ब्लॉग भी बनाते हैं कि कैसा ये वाटर पार्क है। और ये बहुत ही अच्छा और प्यारा वाटर पार्क है, और इस वाटर पार्क का नाम भी बहुत ही खूबसूरत है, MJ फन सिटी वाटर पार्क। लखनऊ में ये रसूलपुर के पास पड़ता है, और मैं लखनऊ वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप जाइए और देखिए MJ वाटर पार्क सिटी सॉरी MJ फन सिटी वाटर पार्क। बहुत ही प्यारा और सुंदर है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी है, और इसका मैं गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, मैप जो कि आपको गूगल मैप के ज़रिए आसानी से आपको वहाँ पे जाने में आसान तो लगेगा। चलिए चलिए देखते हैं आपका अपना नया प्यारा सा ज़बरदस्त सा MJ फन सिटी वाटर पार्क। बाय बाय, स्टार्ट करते हैं। और ये अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि पहुँच सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, इस वजह से मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड पर लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से और कम समय में वीडियो को देख सकें। और ये हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन सेफली चल रहे हैं, और हम लोग अपने सफ़र पे चल चुके हैं, ताकि हम लोग आसानी से पहुंच सकें। और आप लोग हमारे सफ़र का आनंद लीजिए, और हम लोग बाइक पर आनंद लेते हुए चल रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी बाइक में पेट्रोल की भी थोड़ी सी कमी है, तो इस वजह से हम लोग अभी थोड़ी दूर पे आगे जाएंगे, और अपनी हाईवे की HP की पेट्रोल टैंक आएगी, वहाँ पर हम लोग जाकर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाएंगे, ताकि हम लोग पहुँच सकें। और हमारी पेट्रोल टंकी जस्ट अब आ चुकी है, और हम लोग अपने नंबर का वेट करेंगे। ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और अपने नंबर का अपने टाइम का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सीक्वेंस में नंबर वाइज बाइकें लगी हुई हैं, इसको लगी हुई हैं। अब हम लोग जल्द से जल्द अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, नंबर अपना आ जाए, फटाफट हम लोग पेट्रोल अपनी गाड़ी में फिल करवा लें, और यहाँ से निकल चुके निकले और अपने सफ़र को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और हमारा नंबर भी लगभग आने ही वाला है, और ये हम लोगों ने फाइनली अपने गाड़ी में अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लिया, और हम यहाँ से निकल रहे हैं, जल्द से जल्द पहुँचने वाले हैं। और अब हम लोग अपने नियरेस्ट खुर्रम नगर मेन चौराहे के आसपास पहुँच चुके हैं, और ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है, और हम लोग खुर्रम नगर चौराहे के पास पहुँच गए हैं। यहाँ से अब हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे पिकनिक स्पॉट रोड के लिए, जो कि हमारा नियरेस्ट पड़ेगा अपना वाटर पार्क के लिए। और ये पिकनिक स्पॉट रोड पर हम लोग चल रहे हैं जल्द से जल्द। ये देखिए नज़ारे देखिए, अब यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे रसूलपुर के लिए, ताकि हम लोग अपने वाटर पार्क के पास पहुँच सकें। जितने ही ज़्यादा हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, अपना ही सफ़र हम लोगों का कम होता जा रहा है, और उतने ही एक्साइटमेंट हम लोगों की बढ़ती जा रही है। ये देखिए रसूलपुर रोड थोड़ी सी चौड़ी कम है, ये 20 फीट की रोड है, और हम लोग सेफली ड्राइव कर रहे हैं, ताकि आसानी से जा सकें। और अगल बगल देखिए कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग विलेज एरिया में आ चुके हैं।
बेहद ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा दिखाई देता हुआ, और आप लोग भी देखते हुए लुत्फ लीजिए और मज़ा लीजिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और देखने में अच्छा लगेगा। अभी तो हम लोग आफ्टरनून के टाइम पे तड़कती भड़कती हुई धूप में चल रहे हैं, लेकिन धूप का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को बाइक ड्राइव करने में। बस चंद समय और बचे हुए हैं और आप लोग हमें पहुंचते हुए देखेंगे। ये देखिए, हम लोग MJ फन सिटी वाटर पार्क रिजॉर्ट के पास पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ का ये मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ पर एंट्री करते हुए गार्ड साहब ने पूछा कि प्लीज़ आप लोग रुक जाइए और बाइक पार्किंग का टिकट ले लीजिए। सो अब हम लोग यहाँ से बाइक पार्किंग का टिकट लेंगे। और यहाँ पे क्या है, पहले ही टिकट का पेमेंट करना होता है, क्योंकि वापसी में थोड़ा सा कुछ बच्चे ऐसे ही लोग निकल जाते हैं और पेमेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे पहले ही पेमेंट ली जाती है बाइक की पार्किंग की। सो अब हमने पैसे दे दिए हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्किंग एरिया में अपनी बाइक को पार्क करेंगे, देन उसके बाद टिकट काउंटर के पास पहुँचेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क कर दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर के पास और वहाँ से टिकट काउंटर ख़रीदते हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर पर पर्सन का 550 रुपये प्लस इसमें आपको खाने के मिलेगा, जिसमें मेरे ख्याल से चाउमीन भी या छोले भटूरे जो भी अंदर मिलेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ से टिकट कंप्लीट करते हैं, परचेज करते हैं। और ये टिकट कंप्लीट हो गया यानी परचेज कर लिया गया है, प्लस 300 रुपये हम लोगों से एडवांस लिए गए हैं जो यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स वगैरह मिलेगी पहनने को इस वजह से। तो ये देखिए, ये अपने पास है टिकट, देन इसके नीचे दूसरी स्लिप है, वो है एडवांस 300 रुपीज़ एज अ कॉस्ट्यूम सिक्योरिटी। ये आपका रिफंडेबल है जब आप कंप्लीट करके पूरा फन का मज़ा ले लेंगे वाटर पार्क, उसके बाद जब आप वापसी करेंगे तो आपको 300 रुपीज़ रिटर्न कर दिए जाएंगे। सो अब हम लोग मेन गेट के पास जा रहे हैं, ये हमारी बाइक पार्क हो चुकी है। अब हम लोग, ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ पे भी गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं और हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो गार्ड भैया ने रोक लिया है, ये हमारे चेकिंग करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं हुक्का वगैरह रख लेते हैं, स्मोक रख लेते हैं, ड्रिंक की बॉटल रख लेते हैं, तो वो सब चीज़ें अलाउ नहीं है। इस वजह से प्रॉपर चेकिंग की जाती है ताकि सेफ्टी भी अच्छी चीज़ है, सेफ्टी रहना भी बहुत ज़रूरी, इसलिए गार्ड्स वगैरह तैनात है और ये पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। तो भैया जी तसल्ली कर लीजिए, फटाफट चेक कर लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़े। सो गाइस, चेकिंग चल रही है, पूरी तरीके से चेकिंग कर लेंगे भैया जी लोग, पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा चेकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है और पूरी तरीके से बैग वगैरह भी चेक कर लिए गए हैं और हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम लोग कॉस्ट्यूम प्लस लेकर अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं लॉकर रूम में, जहाँ हम लोगों को चाबी दी गई है। ये है लॉकर रूम, यहाँ अब हम लोग अपने ड्रेसअप वगैरह चेंज कर लिए और अब हम आगे आ गए हैं। सो अब हम लोग रिजॉर्ट के अंदर यानी वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ की कॉस्ट्यूम ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है, कलरफुल है, फंकी कलर, इसको हम लोगों ने पहन लिया और अब हम लोग अंदर आ गए। अब हम लोग आगे चल के इंजॉयमेंट करेंगे और आप लोगों को पूरा टूर दिखाएंगे। बैकग्राउंड का लुक देखिए, कितना प्यारा और अच्छा खूबसूरत लुक दिखता हुआ, कितने अच्छे अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, बहुत ही कूल और फैंसी और सतरंगी कलर्स का कॉम्बिनेशन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। और फर्श, इतनी धूप है कि फर्श जल रही है, फिर भी मैं धूप को बर्दाश्त कर रहा हूँ और व्लॉग बना रहा, बहुत ही ज़बरदस्त धूप है और इस धूप के साथ में फर्श की गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। ये है मेरी पहली स्लाइड फन सिटी वाटर पार्क की, पहली स्लाइड मैं करने जा रहा हूँ और ये पूरा सेटअप मेरा हो गया। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, 1 2 3 गो, मज़ा आ गया। उस टाइम तो बहुत मज़ा आया था, थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको स्लाइड्स दिखाते हैं
और एक से एक अच्छी अच्छी और बहुत ही दिल को हिला देने वाली स्लाइड्स। ये स्लाइड्स है जो कि इस फॉर्म के साथ स्लाइड की जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और साँस से निकलती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। और ये सेकंड स्लाइड है जिसके ऊपर जिसके साथ सपोर्ट में एक दो वो होते हैं रबर्स के बलून्स टाइप के बने होते हैं जिसमें 2 पर्सन बैठते हैं और बैठकर इस स्लाइड का मज़ा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक साथ दो लोगों के साथ पावर बनती है और वो लास्ट तक जाके टच होती है, जिसका ज़्यादा पावर होगा वो सबसे लंबा जाएगा और वहाँ पर टच करेगा। ये है इसका पावर। और आगे चलते हैं, अच्छी स्लाइड्स भी और भी हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग लगे हुए हैं चलने के लिए और ये स्लाइड्स हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त और शानदार। यहाँ पर हर एक स्लाइड पे लाइफ गार्ड होते हैं ताकि वो पूरी तरीके से प्रॉपरली सही वे में बता सके और एक एक स्टेप को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सके कि आपको किस तरीके से स्लाइड करनी है। इससे क्या होता है कि आप सिक्योरली और प्रॉपरली राइट वे में स्लाइड कर सके और अच्छे से सेफली स्लाइड का पूरा आनंद ले सके। बाकायदा बताते हैं पैर ऊपर करके आप निकलिए ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए क्या होता है आगे, कौन जाता है इसमें से। और अब देखते हैं, ये देखिए एक ये यंगस्टर आ गए और ये कह रहे हैं यंग जनरेशन यंगस्टर पावर। देखिए बिना किसी डर के ये देखिए निकलते हुए स्लाइड से सब निकल गए और किसी को हवा तक नहीं। पावर ऑफ यंगस्टर, बड़े लोग डिस्कशन करते रहे और वो निकल गए। ये देखिए जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा था, दो पर्सन बैठ कर इसमें से स्लाइड करेंगे। और ये देखिए 1 और 2, ये है इनकी पावर। और देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं। 1 2 3 और ये गो जूम। ओ भाई बस लगभग पहुँच ही गए, इन्होंने नी टच कर दिया था। और ये देखिए एक और पर्सन निकलते हुए स्लाइड पे जूम निकल गए और मुझे बताने का मौका तक नहीं दिया। और ये भाई साहब भी जा रहे हैं, इन्होंने भी अपनी पावर दिखा दी है। ये जा रहे हैं सर्किल वाले में से, बहुत ही प्यार से और आराम से सुकून से निकल गए हैं। देखिएगा अभी बीच में दिखाई देंगे वो, देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। वो देखिए जा रहे हैं, वो भी निकल गए हैं, बहुत प्यार से सुकून से निकल गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा देख कर। और आगे कौन आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और स्लाइड में। ये देखिए यहाँ से भी लाइफ गार्ड समझाते हुए कि भाई आप लोग इसको फॉर्म को अच्छे से पकड़िएगा और निकल जाइए। और ये निकल गए, कितना प्यारा लगा, कितना प्यारा लगा। देखिए देखिए देखिए, अरे भाई गो गए, अब रेड में से निकलेंगे ये भाई साहब। ओ भाई देखो 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 देखो, निकलो भाई, कहाँ रह गए। ये निकले भाई साहब, जूम फिनिश। और अब हम आ गए हैं वेव में, वेव का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा और ज़बरदस्त। यहाँ से ठंडा पानी का शावर लेते हुए, और ये देखिए ये वेव पूल है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है जब वेव चलती है। और आई होप अभी हम वेव देखेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसका भी एक टाइम होता है, ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये लगभग मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, तब हम लोग देखेंगे वेव का नज़ारा। और ये देखिए शावर निकल रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है। और ये वेव, लोग मस्ती करते हुए, साउंड बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए, गाने बजते हुए, सभी लोग एंजॉयमेंट करते हुए गाने का वेव पूल में। बहुत ही मस्त लगता है जब वेव यहाँ पर चलता है। और ये आप मेरे पीछे
पीछे साइड में देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा लोकेशन दिख रहा है। यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ इंजॉयमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ऊपर ऊपर देखिए बकेट है, बकेट्स में पूरे तरीके से वाटर भर जाते हैं और जब ये नीचे गिरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये देखिए पीछे गिरा हुआ कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत, बहुत ही इंजॉयमेंट और रिलैक्स फील होता है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा ज़्यादा आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ये मेरे पीछे में कॉस्ट्यूम्स एंड लॉकर काउंटर्स हैं, यहाँ पर कॉस्ट्यूम चेंज होती हैं। और ये फाइनली हमारा वाटर पार्क का टूर ख़त्म होता हुआ और हमारे भाई साहब थक गए हैं और उनका कहना है कि अब मैं बाइक ड्राइव नहीं कर सकता, सो प्लीज़ भाई आप ड्राइव करिए, सो अब मुझे ड्राइव करना होगा। हेलो गाइस, सो आपको आई होप आपको ये ज़बरदस्त और प्यारा फन सिटी MJ फन सिटी वाटर पार्क पसंद आया होगा। बहुत कितने ज़बरदस्त स्लाइडें बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए बहुत प्यारा है, बच्चों के लिए बहुत प्यारा बना हुआ है। आना था बहुत ही प्यारा फन सिटी है ये, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ के लोग, कानपुर के लोग, जो भी जाना चाहता है वाटर पार्क के मज़े लेना चाहता है वो एक बार ज़रूर जाए। बहुत ही अच्छा और प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही शानदार मुझे लगा। और आई होप आपको भी ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर टू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन बटन। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं लखनऊ वाला व्लॉग्स को।